नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी हैं। शंकर लालवानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय पर यहां प्रेस वार्ता हुई है। हम जानेंगे क्या विषय है और क्या उसमें खास होने वाला है, क्योंकि इंदौर हमेशा से इतिहास लिखता है और इस बार फिर से वही दोहराने की एक बार कोशिश फिर से इंदौर ने की है। शंकर जी, किस तरह का आज का मुद्दा है और क्या आयोजन इंदौर में होने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर का स्मार्ट सिटी सम्मेलन इंदौर में 27-28 को होने वाला है और महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी सब शुभारंभ अवसर पर रहेंगे। देश भर के 100 स्मार्ट सिटी के CEO, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, इस प्रकार 2000 गणमान्य व्यक्ति इंदौर आ रहे हैं और ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का ये आयोजन है। इंदौर को भी सौभाग्य है कि G20 का पहले मेजबानी करने का मौका मिला, उसके बाद ग्लोबल समिट भी वो हुआ, NRI सम्मेलन हुआ, तो इस प्रकार हम लगातार इंदौर को ये मौका मिल रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इंदौर को मौका दिया। 27 तारीख को संभवतः 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति जी आएंगी और पुरस्कार समारोह शामिल होंगे, 1 बजे तक रहेंगी। 28 तारीख को हमारे जितने भी प्रतिनिधि आएंगे देश भर के, वो हमारे शहर में जिस प्रकार का स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ स्वच्छता में हम जो काम कर रहे हैं वो भी देखेंगे। और 28 तारीख को ये पूरा आयोजन है वो जनता के लिए खुला रहेगा। इस प्रकार 3 दिवसीय ये आयोजन है और आने वाले 24 तारीख को इसकी समीक्षा बैठक रखी गई है। मुझे लगता है इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। इंदौर में जिस तरह से प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, अब ये आयोजन होने जा रहा है, इंदौर को इस तरह के आयोजन बार बार मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो लेकिन इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं कि क्या कारण है इंदौर में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंदौर एक दौर है और एक शहर नहीं, एक दौर है और ये दौर शहर समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। और मुझे लगता है हम अपनी विरासत को साथ में लेके आगे चल रहे हैं और नवाचार में हम लगातार, पिछले बार भी स्मार्ट सिटी में हमें पुरस्कार मिला था, स्वच्छता में तो हम लगातार 6 बार रहे थे, तो इसी कारण इंदौर को सौभाग्य मिल रहा है कि इतने बड़े कार्यक्रम आयोजन करने का। इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी, आर्थिक राजधानी है, आपको किस तरह से आगे देखते हैं भविष्य, क्योंकि इंदौर बहुत सारे आने वाले केंद्र की भी तमाम योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में आनी है या इंदौर में आनी है। देखिए, इंदौर मुझे लगता है देश में बढ़ता हुआ ऐसा शहर है जो विकास की नई गाथा लिख रहा है। हम देखें एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, IT के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ग्रोथ है, GDP बहुत आगे है। यही कारण है कि इंदौर में अब जो इंडस्ट्रियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आना चाहती है उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियां हमारे इंदौर में आ रही है और इंदौर सेंट्रली लोकेट होने के कारण एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि केंद्र सरकार का 900 करोड़ का लॉजिस्टिक हब इंदौर में बनने जा रहा है और उसका काम तेजी से चल रहा है। तो एक सेंट्रली लोकेट होने के कारण हमारा एक हमको एक फायदा मिलता है और हम, हमारी तासीर है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है वो बहुत ही अच्छी है, हमारा मौसम यहाँ का अच्छा है, तो उस प्रकार मुझे लगता है कि ये सब इंदौर के क्षेत्र में विकास में एक प्लस पॉइंट है जो हमें मिलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे है कि डबल इंजन की सरकार, अक्सर ये बात सामने आती है कि साहब डबल इंजन की सरकार है, रोजगार में हम बात करें तो तमाम आरोप लगते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है और अभी कमलनाथ जी ने तमाम बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, क्या कहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति डबल इंजन सरकार की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हर माह नौकरियां मिल रही है पूरे देश में, हम देख रहे हैं इंदौर में भी कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है कि हर महीने नौकरियां देने का, और यही नहीं, जो अगर प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हैं तो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 8,000 रुपये का स्टाइपेंड भी है। और आप बताइए, ये योजना में डिमांड ज़्यादा है और कहें कि सप्लाई कम है, तो हम तो आपके माध्यम से युवाओं से भी कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं सीखो कमाओ योजना में आइए, आपको मौका मिलेगा।